वेलकम बैक टू दिस वीडियो चैंपियंस। सो जैसा कि हम रैपिड वन शॉट सीरीज चला चुके हैं फार्माकोग्नोसी का, जिसको आप बोरिंग समझते हैं, पर यहां पर हम इसको एक इंटरेस्ट के साथ कवर करने वाले हैं। रैपिड वन शॉट सीरीज हमारा इसका उद्देश्य ये, कम समय में पूरे टॉपिक की जानकारी आप कैसे हासिल करें। आपके जीपैट, नाइपर, फार्मासिस्ट और ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम में ये बहुत मददगार साबित होने वाला है। सो आज का जो टॉपिक है हमारा ग्लाइकोसाइड है। इससे पहले हमने एल्कलॉइड्स को कवर किया और आज यहां पर हम ग्लाइकोसाइड्स को कवर करने वाले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ग्लाइकोसाइड के। तो चलिए रैपिड वन शॉट सीरीज का शुरुआत करते हैं और साथ ही साथ बात करेंगे क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन की बात करूंगा। देखिए ग्लाइकोसाइड, यहां पर मैं शुरुआत ही करता हूं। 2017 का क्वेश्चन पूछा गया कि ग्लाइकोसाइड को अगर हाइड्रोलाइज करोगे तो क्या मिलेगा, यहां से क्वेश्चन में शुरुआत करता हूं। तो ग्लाइकोसाइड हमारा जो बना होता है, वो ग्लाइकोजन, ग्लाइकोन प्लस ए ग्लाइकोन से बना होता है। याद रखिएगा ए ग्लाइकोन, यही दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोन होता है हमारा शुगर मॉइटी, याद रखिएगा शुगर मॉइटी, ठीक है। और ए ग्लाइकोन होता है नॉन शुगर मॉइटी, याद रखिएगा। अब कौन सी मॉइटी हमारी ग्लाइकोसाइड में इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बता देता हूं, वो है ए ग्लाइकोन। मतलब ए ग्लाइकोन मॉइटी की ही वजह से हमें बायोलॉजिकल या थेरेप्यूटिक एक्टिविटी मिलेगी। थेरेप्यूटिक एक्टिविटी के लिए हमारा ए ग्लाइकोन मॉइटी रेस्पॉन्सिबल होता है, पहली बात। अब यहां पर ए ग्लाइकोन को पहचानेंगे कैसे, याद रखिएगा ए ग्लाइकोन मॉइटी का जो नाम होगा उसके लास्ट में जैनिन होगा, जैनिन से लास्ट होगा ए ग्लाइकोन मॉइटी का। क्योंकि अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ग्लाइकोसाइड को हाइड्रोलाइज करोगे तो क्या मिलेगा, ये पता है ग्लाइकोन, ए ग्लाइकोन में थेरेप्यूटिक एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन, ए ग्लाइकोन। तो यही इंट्रोडक्शन से हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए अब यहां पर बताया क्या है, ग्लाइकोसाइड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ग्लाइकोसाइड्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। उसी के बाद अगर इनका एंजाइमेटिक या एसिड हाइड्रोलाइज करोगे तो हमें ग्लाइकोन, जिसको हम शुगर मॉइटी भी बोलते हैं और जिसको बोलते हैं ए ग्लाइकोन नॉन शुगर मॉइटी, वो मिलता है। जीपैट 2017 का क्वेश्चन है। उसी के बाद अब यहां पर आपके सामने बहुत अच्छे से दिया है, ग्लाइकोसाइड का हाइड्रोलाइज करोगे ए ग्लाइकोन, जिसमें जो भी ए ग्लाइकोन मॉइटी होगी उसके लास्ट के नाम में जुड़ा होगा जैनिन, ग्लाइकोन शुगर, रैमनोज, सुक्रोज, दैट इज अ शुगर पार्ट। अब ये ए ग्लाइकोन और ग्लाइकोन, देखिए हर इंसान का कोई ना कोई रोल रहता है, तो इसका मतलब ग्लाइकोन का भी कोई ना कोई रोल रहेगा और ए ग्लाइकोन का भी। अभी मैं यहां पर स्टेरॉइड न्यूक्लियस के थ्रू भी बताऊंगा ए ग्लाइकोन क्या करता है। ए ग्लाइकोन हमारा रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, केमिकल एंड थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टी के लिए। बट ग्लाइकोन क्या करता है, देखिए ग्लाइकोन हमारा मदद करता है ए ग्लाइकोन के किसमें, या ग्लाइकोसाइड्स के ट्रांसपोर्टेशन में। यहां पर दिया गया है दैट ग्लाइकोन पार्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोसाइड के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, हेल्प्स विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए ग्लाइकोन। ए ग्लाइकोन पार्ट का ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है टू द साइट ऑफ एक्शन, मतलब जहां पर हमें एक्शन चाहिए होता है। अब यहां पर देखिए, ये देखिए दिस इज अ मेनली केमिकल स्ट्रक्चर। अभी दिस इज अ शुगर, शुगर पार्ट है, दिस इज अ न्यूक्लियस, ठीक है, स्टेरॉइड ए ग्लाइकोन, दिस इज अ ए ग्लाइकोन मॉलिक्यूल एंड दिस इज अ ग्लाइकोन, दिस इज अ ग्लाइकोन, याद रखिएगा। तो यहां पर ये ग्लाइकोसाइड बनता है। आगे मैं बात करता हूं, अब जो ये केमिकली दे आर एसिटल्स और शुगर ईथर्स, ठीक है। अब ये आखिरकार बनते कैसे हैं, ग्लाइकोन और एक ग्लाइकोन बनता कैसे, उनके बीच में क्या जुड़ाव रहता है, कह सकते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। बट यहां पर इस लाइन को मैं आगे डिफेंड भी करूंगा, केमिकली दे आर एसिटल शुगर ईथर्स फॉर्म बाय इंटरेक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मतलब शुगर का तो ओएच, शुगर का ओएच इंक्लूड है,
शुगर क्या कह रहा है कि भाई मैं OH दूंगा, OH की बाजी लगा दूंगा और नॉन शुगर का हाइड्रोजन होगा और टोटली हमारा क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ वाटर की वजह से हमारा शुगर और नॉन शुगर में लिंकेज बन जाएगा, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। और शुगर क्या है, मोस्टली बीटा डी ग्लूकोज जैसे कि गैलेक्टोज, मैनोज, रहमनोज एंड डिजिटॉक्सोज, साइमरोज, ठीक है। याद रखिएगा एक ग्लाइकोन और एक ग्लाइकोन में कौन सा लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस लिंकेज अल्फा एंड बीटा स्टीरियोसोमर सारा साइन, ठीक है। अब यहां पर क्या क्या चरित्र हैं ग्लाइकोसाइड के, देखिए मोस्टली जो ग्लाइकोसाइड्स हैं वो कलरलेस, वो क्रिस्टलाइन है, बट ऐसा तो नहीं है कि सारे ही होंगे, कुछ ना कुछ तो हमारे पास रहेंगी। जैसे एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड हमारा रेड या ऑरेंज इन कलर पाया जाता है, फ्लेवोन ग्लाइकोसाइड हमारा येलो इन कलर पाया जाता है। इसी के बाद आगे मैं बात करूं ग्लाइकोसाइड्स की कुछ और प्रॉपर्टीज, सॉल्युबल है वाटर में, पर क्लोरोफॉर्म एंड ईथर में इनसॉल्युबल पाया गया है, एंड दे आर ऑप्टिकली लीवोरोटेटरी, जो ऑप्टिकली लीवोरोटेटरी मोर एक्टिव फॉर्म है, ठीक है, मतलब लीवोरोटेटरी ज्यादा एक्टिव रहता है, ठीक है। और जो ग्लाइकोसाइड है वो स्टार्स ऑटो मेथड से एक्सट्रैक्ट किया गया है, ठीक है। चलिए अब यहां पर बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड की, आखिरकार क्लासिफिकेशन क्या कहता है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन की मतलब सीधी सी बात है, कौन सा ग्लाइकोसाइड का क्या यूज है मेडिकली, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है भाई, ठीक है। जैसे कि हम सबसे पहले बात करें लेक्सेटिव एंड परगेटिव, यहां पर लेक्सेटिव एंड परगेटिव का क्या एक्शन, कौन सा ड्रग दिखाता है, एलो सेना और कैस्केरा, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखोगे, शाकाल के नाम से याद रखना, शाकाल, ठीक है, शाकाल, आल, आल, ऐसे लेक्सेटिव और, ठीक है, शाकाल, एस ए के एस ए सी एंड आर, ठीक है, शाकाल, लेक्सेटिव एंड परगेटिव। उसी के बाद कार्डिक ग्लाइकोसाइड, कार्डियक ग्लाइकोसाइड में यहां पर आउबेन भी है, तो आप कैसे याद करोगे, डीएसटी, डीएसटी, ठीक है, डीएसटी के नाम से याद रखो, ठीक है, डीएसटी, ठीक है। और यहां पर कार्डियक ग्लाइकोसाइड का बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन मैं बताने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन आया था 2018 में कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पर इनहिबिटर होता है, एटीपेज, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसी के बाद इम्यूनोमोड्यूलेटर, जिनसिंग, पिकोराइजा, एक्सपेक्टोरेंट, लिकराइस जिसको मोलेटी के नाम से जाना जाता है, वाइल्ड चेरी बार। उसी के बाद बिटर ग्लाइकोसाइड एंड हिपेटोप्रोटेक्टिव, जेंशियन, पिकोराइजा, चिराशा एंड कोएशिया, एमेटिक में ब्लैक मस्टर्ड एंड एंटी डायबिटिक में हमारा आता है जिमनेमा, एंटी डायबिटिक में, और ल्यूकोडर्मा में सोरेलिया एंड एमी। आगे भी बात करते हैं, आगे है हमारा, ठीक है, आगे है ऑन द बेसिस ऑफ ग्लाइकोन एंड ए ग्लाइकोन पार्ट, ठीक है। ये तो हुआ हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन के अकॉर्डिंग, ये है हमारा मेनली किसके बिहाफ पे, ऑन द बेसिस ऑफ ग्लाइकोन एंड ए ग्लाइकोन। अभी मैंने बताया था एसिटल वाली लाइन पर, तो याद रखिएगा सी ग्लाइकोसाइड किसको कहते हैं, ठीक है, ये लिंकेज के बिहाफ पर है, सी ग्लाइकोसाइड किसको कहते हैं याद रखिएगा, थोड़ा सा फॉर्मुली आ जाती है, ठीक है। अब ये शुगर है, ठीक है, ये नॉन शुगर है, तो मैंने बोला था शुगर क्या किसकी बाजी देगा, OH की देगा, और एक ग्लाइकोन किसकी देगा, हाइड्रोजन की देगा। तो याद रखिएगा ये देखो H2O हुआ, ये H2O को हमने यहां पर निकाल दिया, बचा कार्बन एक ग्लाइकोन के कार्बन से, और मेनली शुगर मोइटी जुड़ी, सो दिस इज द लिंकेज, ये जुड़ गया, तो C इन्वॉल्व है, इसीलिए C टाइप का ग्लाइकोसाइड है। एग्जांपल है LOC टाइप का होता है कैस्केरा, कोक्नियल, कोक्नियल के अंदर एक कार्बनिक एसिड पाया जाता है जो कि रेड कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, याद रखिएगा क्वेश्चन आया रेड कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसी के बाद ओ टाइप के ग्लाइकोसाइड, इसमें क्या है, इन दीज ग्लाइकोसाइड शुगर इज कनेक्टेड टू OH और फिनोल ग्रुप। अब देखो इसका OH, इसका OH और इस, ये देखिए H2O निकल गया और यहां पर ऑक्सीजन के साथ दोनों अटैच हो गए, ये मोइटी बन गई, और कौन कौन दिखाता है, सेना और रूबार, ठीक है, याद रखिएगा। और एक और पॉइंट बता देता हूं, सेना को 3P से याद रखिएगा, 3P से, 3P, 3P क्या, पहला प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक क्रिस्टल्स, प्रिज्मेटिक क्रिस्टल्स, पैरासाइटिक स्टोमेटा,
पैरासाइटिक स्टोमेटा एंड परगेटिव इन नेचर, परगेटिव इन नेचर, ठीक है, परगेटिव इन नेचर। चलिए नाउ नेक्स्ट है, यहां पर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं एस टाइप के ग्लाइकोसाइड। एस टाइप में क्या होगा, सीधी सी बात है, इसका एच और ओ एच निकल जाएगा, यहां पर ये मोइटी बन जाएगी। एग्जाम्पल है सिलीग्रिन, जो कि हमें ब्लैक मस्टर्ड से मिलता है, ठीक है। उसी के बाद नेक्स्ट है एन टाइप का ग्लाइकोसाइड, एन टाइप में भी यही होगा, ओ एच निकल गया एस टू ओ, ये हमारा न्यूक्लियोसाइड इज द बेस्ट एग्जाम्पल। क्लियर है, ये हमारा पॉइंट्स यहां पर क्लियर होता है, एंड आई होप आपको चीजें क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। केमिकल नेचर क्या है, अब यहां पर बेसिक क्लासिफिकेशन आ जाती है, याद रखिएगा। जैसे कि एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड हमारे क्या क्या होते हैं, सेना, एलो, कैस्केरा एंड रूबार, दीज आर दी एंथ्राक्विनोन, ठीक है। उसी के बाद हमारा आ जाता है कार्टेक ग्लाइकोसाइड, कार्टेक ग्लाइकोसाइड में डिजिटेलिस, स्ट्रोफेंथस, आउबेन, थिवेशिया, स्क्विल एंड ओलियंडर, याद रखिएगा। जिसमें हमारा, मैं और भी और चीजें बता दूं आपको, इसमें सेना, एलो, ये रूबार्ब हमारे इंपॉर्टेंट तो है ही, और इसमें डिजिटेलिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्विल और थिवेशिया, ये तीन इंपॉर्टेंट है। थिवेशिया को लकी नट ट्री के नाम से जाना जाता है, लकी नट ट्री के नाम से, याद रखिएगा, लकी नट ट्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा यहां पर सेपोनिन ग्लाइकोसाइड। सेपोनिन का मतलब सोप लाइक एक्शन, याद रखिएगा, सोप लाइक एक्शन, सोप लाइक एक्शन, ठीक है। और ये दो तरह के, टेट्रासाइक्लिक मतलब चार साइक्लिक टर्बिनॉइड्स, पेंटा मतलब पांच, तो टेट्रा में डाइस्फोरिया एंड शतावरी आता है, इससे क्वेश्चन आया, इसके हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट्स, ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से क्वेश्चन आया, वो भी बताऊंगा। पेंटासाइक्लिक जिनसिंग लिकराइस स्नेगा सबसिला क्वेरिया बार, ठीक है, ये हमारे दो तरह के मेनली। उसी के बाद मैं बात करता हूं साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड की। साइनोजेनेटिक में बिटर एलिमेंट वाइट चेरी बार। नेक्स्ट है आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड, ब्लैक मस्टर्ड, फ्लेवेनॉल, ब्लैक बकवीट, जिंको एंड सिलीमेर। उसी के बाद नेक्स्ट मैं यहां पर बात करता हूं क्यूमरिन ग्लाइकोसाइड, एमी विस्नेगा सुरेनिया, ठीक है, पाव के नाम से याद रख सकते हैं। अम्मी ने क्या दिया है, कॉमरिन ने क्या दिया, पाव दिया, ठीक है। नेक्स्ट है एल्डिहाइडिक ग्लाइकोसाइड, एल्डिहाइड में वनीला, ठीक है। उसके बाद फिनोल, फिनोल ग्लाइकोसाइड बियर बेरी, एंड लास्टली स्टेरॉइडल में सोलेनम, एंड बिटर में हमारा जाता है जेंशियन, पिकोराइजा, चिरेशा, कोएशिया एंड जिम्नेमा। जिम्नेमा का हमारा क्या होता है एक्शन, That is anti-diabetic. Question पूछा गया है. Anti-diabetic. ठीक है? ये clear हुआ? चलिए आगे मैं बात करता हूं, अब आता हूं chemical test पे. Chemical test बहुत short में पढ़ेंगे, सीधी सी बात। Anthraquinone glycoside कौन-कौन से होते हैं? अभी बताया था सेनो, एला, एलो, कैस्केरा, रूबार। तो यहां पर उसके लिए होता है बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट, बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट और मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट। इसमें याद रखिएगा, इसमें हम क्या क्या यूज कर रहे हैं वो एक अलग क्वेश्चन है, पर यहां पर इस तरह से, यहां से उसके ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन आता है। इसमें क्या होता है, पिंक और रेड कलर बनता है किसकी, अमोनिकल लेयर में, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंथ्राक्विनोन मोइट, एंथ्राक्विनोन, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी पिंक और रेड कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंथ्राक्विनोन मोइट। चलिए आगे मैं बात करता हूं सेपोनिन ग्लाइकोसाइड, सोप लाइक एक्शन शो करते हैं। सेपोनिन ग्लाइकोसाइड का जो केमिकल टेस्ट है वो होता है हेमोलाइसिस टेस्ट। हेमोलाइसिस टेस्ट में क्या होगा, एक ड्रॉप लेंगे, ब्लड की स्लाइड पर डाल देंगे और सेपोनिन डाल देंगे, सेपोनिन सॉल्यूशन। अगर आरबीसी हमारी रप्चर हो गई, इसका मतलब सेपोनिन है, रप्चर होना प्रेजेंस बताता है सेपोनिन ग्लाइकोसाइड की। फॉर्म टेस्ट, एक ग्राम ड्रग, 10 से 20 ml वाटर और उसको शेक कर देंगे, अगर झाग बन गया तो यहां पर उसकी वजह से पता लग जाएगा कि सेपोनिन है, इसीलिए बोला सेपो, सेपो मतलब सो। नाउ स्टेरॉइड एंड ट्राइटरपेनोइड ग्लाइकोसाइड के लिए यहां पर लिबरमैन एंड बुचर टेस्ट, ठीक है। लिबरमैन और बुचर टेस्ट क्या बताता है, स्टेरॉइड मोइटी की प्रेजेंस बताता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है साल्कोस्की टेस्ट, साल्कोस्की टेस्ट क्या बताता है, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ मेनली स्टेरॉइड मोइटी, याद रखिएगा। फॉर्मेशन क्या होता है, येलो कलर मेनली रिंग एट द जंक्शन ऑफ
टू लिक्विड, ठीक है, दो लिक्विड के बीच क्या है इस तरीके से, यहां पर येलो कलर का, इधर से येलो, रेड से बता दे रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट है एंटीमनी ट्राइक्लोराइड टेस्ट। एंटीमनी ट्राइक्लोराइड टेस्ट हमारा मेनली स्टेरॉइड बताएगा प्रेजेंस कि इसमें है कि नहीं, ठीक है। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड टेस्ट फॉर्म्स कलर्स, मेनली कलर प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है। ट्राई नाइट्रोमीथेन टेस्ट, येलो कलर बनेगा, ठीक है। अनसैचुरेटेड स्टेरॉइड एंड ट्राइटरपीन्स एंड टेट्रानाइट्रोमीथेन। उसी के बाद ज़िमरमैन टेस्ट हमारा क्या करेगा, इट फॉर्म्स वायलेट कलर इन प्रेजेंस ऑफ कीटो स्टेरॉइड्स, ठीक है। ज़िमरमैन टेस्ट हमारा कीटो स्टेरॉइड के लिए होता है, ये चीज याद रखिएगा, कीटो स्टेरॉइड के लिए। चलिए आगे मैं बात करता हूं कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए। कार्डियक ग्लाइकोसाइड जैसे कि डिजिटालिस, तो पहला है केलर क्रियानी टेस्ट, आप यहां से प्रोसेस देख सकते हैं। और इसमें क्या बनेगा, इसमें रेडिश ब्राउन लेयर फॉर्म होगी, ठीक है, जो कि ब्लूश ग्रीन में टर्न हो जाएगी कुछ टाइम रखने के बाद, और ये डिजिटॉक्सोज की प्रेजेंस को शो करेगा। डिजिटॉक्सोज मतलब शुगर मॉइटी को बताएगा, शुगर मॉइटी। उसी के बाद लीगल टेस्ट, लीगल टेस्ट हमारा बताएगा ए ग्लाइकोन मॉइटी को, किसको बताएगा, ए ग्लाइकोन मॉइटी। कैसे पता लगेगा, पिंक कलर बन जाएगा, पिंक कलर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बालजेट टेस्ट, बालजेट टेस्ट हमारा येलो टू ऑरेंज कलर बन जाएगा उसमें, जो कि ए ग्लाइकोन मॉइटी को दिखाएगा। नेक्स्ट है 3,5 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड, इट ऑल्सो शोज मेनली पिंक कलर एंड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ठीक है। चलिए नाउ क्यूमरिन ग्लाइकोसाइड के लिए कौन सा होगा, FeCl3 टेस्ट। FeCl3 क्या होगा, FeCl3 में क्या होगा, सबसे पहले याद रखिएगा डीप ग्रीन कलर बनेगा, और ये जो डीप ग्रीन कलर है वो येलो में टर्न हो जाएगा जैसे ही आप उसको उसमें कंसंट्रेटेड HNO3 डालोगे, और उसकी वजह से हमें पता लगेगा कि हाँ इसके अंदर क्यूमरिन ग्लाइकोसाइड है। आगे मैं बात करता हूं फ्लोरोसेंस टेस्ट। फ्लोरोसेंस टेस्ट में डेवलपमेंट होगा किसका, ब्लू ग्रीन फ्लोरोसेंस का, जो कि क्यूमरिन को इंडिकेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है साइनोफोरिक ग्लाइकोसाइड सोडियम पिक्रेट टेस्ट। सोडियम पिक्रेट टेस्ट का यहां पर आप एक बार इसका प्रोसीजर देखिए, प्रोसीजर जरूर देख लेंगे, एक बार प्रोसीजर में एक बार निगाह जरूर मारेंगे। यहां पर मैं एक चीज आपको बता दूं, क्योंकि कोशिश हम लोगों की ये रहती है कि आपको हर एक चीज बताई जाए, ठीक है। इसमें क्या है, ब्रिक रेड कलर बनेगा ड्यू टू वोलेटाइल HCl, ठीक है, याद रखिएगा ब्रिक रेड कलर मिलेगा, इंपॉर्टेंट है, जो कि साइनोफोरिक ग्लाइकोसाइड का प्रेजेंस होना कंफर्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड। फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड में क्या होगा, अमोनिया टेस्ट होगा, ठीक है, येलो स्पॉट बनेगा फिल्टर पेपर पे। शिनोडा टेस्ट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, दो प्रोसेस है इसमें, ये याद रखिएगा, अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट लेंगे ड्रग का, और मैग्नीशियम टर्निंग एंड डाइल्यूट HCl, ठीक है। यहां पर क्या बनेगा, रेड कलर बनेगा, जो कि फ्लेवोनॉइड्स को बताएगा। इसमें अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट जिंक टर्निंग लेंगे, और इसमें हमारा मर्जेंटा कलर बनेगा, ठीक है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वेनिलिन टेस्ट, वेनिलिन HCl टेस्ट, और वेनिलिन HCl और अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ ड्रग, ठीक है। यहां पर क्या बनेगा, पिंक कलर बनेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लेवोनॉइड। पॉइंट क्लियर है, यहां पर केमिकल टेस्ट क्लियर है। तो चलिए अभी तक हमने बात की है ग्लाइकोसाइड क्या होता है, क्या उसकी क्लासिफिकेशन है, अब यहां पर जानते हैं इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसाइड की मेनली क्या क्या खासियत है और उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, क्योंकि क्वेश्चन इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आता है फार्माकोग्नोसिस से, एंड आई होप द पॉइंट्स मस्ट बी क्लियर विद एवरीवन विद द इंट्रोडक्शन, ठीक है। चलिए अब शुरुआत करते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कार्डियक का मतलब वो ग्लाइकोसाइड जो हमारे हार्ट के लिए यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अब कार्डियक ग्लाइकोसाइड का इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। देखिए कार्डियक ग्लाइकोसाइड में एक स्टेरॉइडल मॉइटी, या हम कह सकते हैं ये एक स्टेरॉइडल मॉइटी है, ठीक है, इसी वजह से इसको स्टेरॉइडल ग्लाइकोसाइड भी कहा गया है। तो मतलब जो इसमें एक ग्लाइकोन मॉइटी होगी वो स्टेरॉइडल नेचर की होगी, स्टेरॉइडल। पहले भी बताया था इंट्रोडक्शन में शुगर मॉइटी कौन सी है और नॉन शुगर मेनली स्टेरॉइडल होती है। तो हमारे दो तरह के ग्लाइकोसाइड होते हैं कार्डियक, जिसमें एक होता है कार्डिनोलाइड, एक होता है ब्यूफाडिनोलाइड। बात याद रखिएगा, कार्डिनोलाइड में
23 कार्बन प्रेजेंट रहते हैं, 23, और ब्यूफाडिनोलाइड में 24 कार्बन रहते हैं, ये चीज मैं बता दूं यहां पर, ठीक है। और जो कार्डिनोलाइड है वो मेनली हमारा ज्यादा पाया जाता है इन कंपैरिजन टू दी ब्यूफाडिनोलाइड, ठीक है। सो यहां पर ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कार्डिनोलाइड का होता है और ये होता है ब्यूफाडिनोलाइड का। देखिए कार्डिनोलाइड में मैंने ऑलरेडी बताया 23 कार्बन होते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें देखिए ये लेप्टोन रिंग है, दिस इज द लेप्टोन रिंग, ठीक है, लेप्टोन रिंग में एक कार्बन कम है, और ये ब्यूफाडिनोलाइड है यहां पर एक कार्बन ज्यादा है, एक कार्बन, तो इसको टोटल मिला के कार्बन 24 हैं और ये 17th पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। थर्ड पोजीशन पे हमारा क्या जुड़ा होता है? शुगर मोइटी, शुगर मोइटी, तो ये टोटल हमारा स्ट्रॉइडल मोइटी कहलाता है। पॉइंट क्लियर है कार्डिनोलाइड एंड ब्यूफाडिनोलाइड में, ठीक है। उसी के बाद अब यहां पर जो लेप्टोन रिंग है, जो मेनली अब हमें अगर कार्डियक एक्टिविटी मैक्सिमम चाहिए उसके लिए जो लेप्टोन रिंग है उस 17th बीटा पोजीशन पर अटैच होनी चाहिए। लेप्टोन रिंग कौन सी है? दिस इज द लेप्टोन रिंग, ये भी हमारी लेप्टोन रिंग है। तो अब मैक्सिमम कार्डियक एक्टिविटी के लिए हमें 17th बीटा पोजीशन पे चाहिए। शुगर पार्ट हमारा थर्ड बीटा पे अटैच होगा तो हमें मैक्सिमम कार्डियक एक्टिविटी मिलेगी, ये बात क्लियर है। अब यहां पर चार रिंग्स का जिक्र किया है, ए बी और सी एंड डी, तो यहां पर जो ए और बी सी और डी बोला गया है, इस रिंग के बारे में बताया गया है, जो ए और बी है और सी और डी है उनका सिस में होना जरूरी है, शुड हैव इन सिस कॉन्फ़िगरेशन। एंड क्यों? क्योंकि शुगर जो है वो उसके एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करेगा, एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करेगा। अब यहां पर एक बात और बोली गई है, When number of hydroxy group is increased on the molecule, the more rapid is the action of the body. मतलब OH group जो होगा वो कहीं ना कहीं हमारा उसका action से लेना देना, मतलब अगर OH ज्यादा तो उतना ही rapid action हमें देखने को मिलेगा। Point clear है। अब यहां पर list कौन कौन से plants हमारे cardiac glycoside में आते हैं, Digitalis, Strophanthus, Aubain, Thibetia, Squill and mainly Oleander, जिसमें Squill को हम बोलते हैं जंगली प्याज। तो ये introductory term। तो अब है यहाँ पर saponin glycoside। Saponin glycoside का मतलब जो soap-like action produce कर सके, soap-like, इसलिए पड़ा इसका नाम, ठीक है। अब यहाँ पर introduction में जाने, जो इसका A glycone part है, वो soap-like action show करेगा। सीधी सी बात है, A glycone part, ठीक है। और इसके test के नाम फॉर्म फॉर्मिंग फॉर्म टेस्ट और हेमोलाइटिक टेस्ट ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। केमिकली जो उसके अंदर ए ग्लाइकोन पार्ट होगा वो सेपोजेनिन कहलाएगा, मैंने बताया था जेनिन लास्ट में वर्ड होगा, ए ग्लाइकोन पार्ट, ठीक है। एंड सेपोनिन ड्रग्स मेनली साइक्लोपेंटेन फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस उसके अंदर होता है एंड दे आर ट्राइटर्पिनोइड इन नेचर, ट्राइटर्पिनोइड में 30 कार्बन होते हैं। अब टेट्रासाइक्लिक और पेंटासाइक्लिक ऑलरेडी बता चुका हूं क्या क्या एग्जांपल है इनके, ठीक है। दिस इज योर टेट्रासाइक्लिक, 1 2 3 4, देखो चार रिंग, पेंटासाइक्लिक में 1 2 3 4 5, पेंटासाइक्लिक, ये क्लियर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। उसी के बाद टेट्रासाइक्लिक के बारे में कुछ जाने, टेट्रासाइक्लिक ट्राइटर्पिनोइड जिनको हम स्टेरॉइडल सेपोनिन भी कहते हैं। तो अब यहां पर जो टेट्रासाइक्लिक है ये हमारा मेनली मेडिसिनल जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं उनके लिए रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि विटामिन डी, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, सेक्स हार्मोन मेनली प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए ये एक रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज किया जाता है। एग्जांपल है इसके टेट्रासाइक्लिक के डायस्टोरिया, आपका शतावरी, जिनसेन। पेंटासाइक्लिक में दिस ग्रुप कंटेन्स अ सेपोजेनिन विद पेंटासाइक्लिक, मतलब जो यहां पर ये जो एक ग्लाइकोन मोइटी है, जो एक ग्लाइकोन मोइटी है उसके अंदर पेंटासाइक्लिक होगा, ठीक है, जो कि शुगर मोइटी से लिंक्ड होगा। क्वेलिया, लिक्राइस, स्नेगा एंड जिनसेन दोनों कैटेगरीज में आता है, ठीक है। सेपोजेनिन्स आर, ये हमारे सेपोजेनिन्स हैं, मतलब एक ग्लाइकोन मोइटीज हैं, एक ग्लाइकोन मोइटीज हैं, ठीक है, हमारे सेपोनिन ग्लाइकोसाइड की, जैसे लिपियोल, अल्फा एमाइरिन एंड बीटा एमाइरिन, दीज आर द ए ग्लाइकोन मोइटी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अल्फा एमाइरिन है वो कौन सा ए ग्लाइकोन मोइटी है, सेपोनिन है, कार्डियक है, एंथ्रोक्विनोन है, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। उसी के बाद कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, डायस्पोरिया, जिनसेंग, क्वालिया बार्क, लिकोराइस एंड स्नेगा आर द एग्जाम्पल ऑफ सेपोनिन ग्लाइकोसाइड।
आगे मैं बात करता हूं यहां पर, नेक्स्ट है साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड। साइनो वर्ड आ रहा है, साइनो, तो इसका मतलब इनको हम साइनोफोर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो होता है हाइड्रोसाइनिक एसिड होगा ए ग्लाइकोन मॉइटी के अंदर, याद रखिएगा साइनो, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोसाइनिक एसिड होगा किसमें, ए ग्लाइकोन मॉइटी में, ठीक है। सो अगर आप साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो हाइड्रोसाइनिक एसिड और मेली बेंजल्डिहाइड देखने को मिलेगा, एंड वन ऑफ द प्रोमिनेंट साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड हमारा एमाइग्लिन फॉर्म बिटर एलिमेंट, ठीक है, याद रखिएगा एमाइग्लिन हमें मिलता है, ठीक है, बिटर एलिमेंट से बहुत ये एक प्रोमिनेंट हमारा साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड है। अब यहां पर साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ऑलरेडी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट मैंने बताया था। Identification of cyanogenetic glycoside is based on liberation of hydrocyanic acid का mainly order हमें मिलेगा, ठीक है, on hydrolysis which change sodium picrate into sodium purpurate, ठीक है, sodium picrate से sodium purpurate change हो जाएगा hydrocyanic acid की वजह से, जिसमें yellow से brick red color बनेगा, ठीक है, yellow से brick red color मिलेगा। Next है isothiocyanate, iso word आ रहा है, आइसो और थायो, आयो मतलब सल्फर भी इन्वॉल्व होगा, तो यहां पर बोला जाता है ऑल्सो कॉल्ड एज थायोग्लाइकोसाइड और सल्फ्यूरेटेड ग्लाइकोसाइड, ठीक है, देयर ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लूकोसाइनोलेट कंपाउंड, एंड जो इसकी एक ग्लाइकोन मॉइटी है, ठीक है, उसके अंदर आइसोथायोसाइनेट रेसिड्यू रहता है जिसमें सल्फर नाइट्रोजन के साथ प्रेजेंट रहता है, ठीक है, मेनली जो माइलोसिनेट एंजाइम भी कंटेन करते हैं इस तरह के ग्लाइकोसाइड, ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर दिस इज द सल्फर, दिस इज द सल्फर और ये नाइट्रोजन के साथ, यही बोला आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेवोनॉल ग्लाइकोसाइड, अगेन फ्लेवोनॉल, दीज आर द पॉलीफिनॉल कॉन्स्टिट्यूट्स, ठीक है, विच कंटेन्स या पॉलीफिनॉल कॉन्स्टिट्यूट्स है, ठीक है, सिंपल सी बात है, जिसके अंदर हमारे मेनली पॉलीफिनॉल्स में फ्लेवोनॉइड, नॉन फ्लेवोनॉइड एंड फिनोलिक एसिड कवर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फ्लेवोनॉइड्स के बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं, जो फ्लेवोनॉइड्स है, फ्लेवोनॉइड्स में यहाँ पर रिंग्स बोली गई, देखिए दे कंसिस्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग ए टू अ हाइड्रोसाइक्लिक रिंग सी, यहां पर देखिए दिस इज एन एरोमेटिक रिंग, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, याद रखिएगा फ्लेवोनॉइड में, एंड दिस इज अ हेट्रोसाइक्लिक रिंग, हेट्रो मतलब अदर देन कार्बन, जो एटम जुड़ा है उसकी वजह से इसको हेट्रोसाइक्लिक, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, बट ये ऑक्सीजन है, ये तो इसको हेट्रोसाइक्लिक बोला गया, ठीक है, एंड सेकंड एरोमेटिक, दिस इज द एरोमेटिक, ये सेकंड एरोमेटिक है, ठीक है, तो इसको हमने फ्लेवोनॉइड डाइफिनाइल प्रोपेन इस स्केलेटन का नाम दे दिया, डाइफिनाइल प्रोपेन, एक फिनाइल, दो फिनाइल, डाई हो गया और प्रोपेन मैथ, प्रोपेन का स्केलेटन हमें मिल गया, ठीक है, डाइफिनाइल का, ठीक है, ये स्केलेटन सिस्टम बन गया। तो फ्लेवोनॉइड्स कंपाउंड्स आर मेनली C6, C3 और C6 का हमें कॉम्बिनेशन मिल गया, ठीक है, 15 कार्बन स्केलेटन होता है, याद रखिएगा 15 कार्बन, ठीक है, और यहां पर जो फ्लेवोनॉइड कंपाउंड्स है मेनली ये कहां पर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, usually occurs in plants as glycoside in which one or more of the phenolic hydroxyl group are combined with sugar residue, ठीक है, याद रखिएगा जो hydroxyl group है mainly fifth position पे, seventh position पे ring A में और ring B में commonly alkoxyl group present रहते हैं, ठीक है, चलिए now next flavonols आपके anthocyanins और xanthins में mainly इंक्लूड रहते हैं, जो अब इसमें एंथोसाइनिडीन जो है वो हमारे ए ग्लाइकोन मॉइटी होती है एंथोसाइनिन्स की, ठीक है, एंथोसाइनिन्स की एंथोसाइनिडीन ए ग्लाइकोन मॉइटी है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एंथोसाइनिन्स है उसमें ए ग्लाइकोन मॉइटी कौन सी होती है, दैट इज योर एंथोसाइनिडीन, ठीक है, चलिए तो यहां पर एंथोसाइनिन्स और एंथोसैंथिन्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी गई हैं, ये आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है, चलिए नाउ क्लासिफिकेशन फ्लेवोनॉइड्स की पूछा जाता है, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन, अगर मैं बात करूं यहां पर, ठीक है, फ्लेवोनॉल्स, आइसोफ्लेवोनॉल्स, फ्लेवोनॉल्स, एंथोसाइनिन्स और एंथोसाइनिडीन्स, ठीक है, ये हमारी क्लासिफिकेशन है फ्लेवोनॉइड की, आप यहां से इसको देख सकते हैं, ठीक है, सो यहां पर स्टूडेंट्स कवर होता है हमारा आज का क्लास, एंड आई होप यू लाइक दिस, सो स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया चैंपियंस, मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट में,
नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए। अगर आपने अभी तक फार्मेसी इंडिया ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड फॉर योर रिवीजन। थैंक यू।